और किसान को आतंकवादी कहेंगे, कभी नोटबंदी पर व्यापारी को, जीएसटी पर व्यापारी को, कभी युवा बेरोजगार को खत्म करेंगे, काला धन 15 लाख, कभी मजदूर के हक को खत्म करेंगे। 3 घंटा में क्या जरूरत पड़ी आपको तय कानून लाने की? किसान हमारे यहाँ आता है, इतनी मेहनत से वो आलू जाते हैं, उनका अन्न सही मूल्य पर खर्चा नहीं जाता है, तो गलत नहीं है, तो 100% गलत है। अब किसान नहीं, कुछ दिन आने वाले समय में कहीं किसान नहीं मिले हैं भारत वर्ष में, सब मजदूर हो जाएंगे, खेत पर पूंजीपतियों का दिक्कत हो जाएगा, हम लोग धीरे धीरे गुलामी की ओर जा रहे हैं। साथी एक किसान गीत है, एक साथी ने मुझे दिया, मैं गा के सुना दे रहा हूँ आपको। बता दें कि पूर्व सांसद की धरती के पाई बरदान एक किसान भैया, धरती के पाई बरदान पहले तैरिया तो जर जर खमवा में दे भैल करिया, ऊपर से चादर मत के पकड़िया, ऊपर से चादर मत के पकड़िया, कि धरती के तू ही बार किसान भैया, धरती के तू ही बार लगे लपी हस रे होठ के थे फरिया, जर जर धमवा में देह भई लकड़िया, लगे लपी हस रे होठ के थे फरिया, जर जर धमवा में देह भई लकड़िया, ऊपर से छा गला मत के पकड़िया, कि घड़ी लेके आईली जलपान किसान भैया, धरती के तू ही बारदान भैया, धरती के तू ही बारदान। जय हो, जय हो किसानों पर करना बंद करो, किसानों पर जुल्म करना बंद करो। जैसा दो लाइन आप भी गुनगुना देते, क्या गुनगुना? जिस तरह से किसानों के समर्थन में आज हमारे नेता गुनगुना दिए, और पूरा किसान आज आंसू बह रहा है जी, अब पूरा किसान को आप आतंकी बना रहे हैं, और हमारे घर में चुभर कर गूगल और अदानी को दुखाएंगे, मेरी जमीन पे मालिकियत आप उनको देंगे, और किसान को आतंकवादी कहेंगे, कभी नोटबंदी पर व्यापारी को, जीएसटी पर व्यापारी को, कभी युवा बेरोजगार को खत्म करेंगे, काला धन 15 लाख, कभी मजदूर के हक को खत्म करेंगे। 3 घंटा में क्या जरूरत पड़ी आपको तय कानून लाने की? क्यों आप अध्यादेश लाए? क्यों जमाखोरों के लिए कानून? ये जब पूछता है क्यों आप मेरे घर में, मैं क्या फसल पैदा करूंगा आप तय करोगे? नीतीश बाबू किसको पता नहीं है पैक्स पदाधिकारी और दलाल बिचौलिए के बीच है, आप मंडी सिस्टम लागू करो और 1850 रुपया लिखित दो। केंद्र सरकार तो आरोप लगा रही है कि विपक्ष किसानों को भड़काने का काम। पहले आप बादल जी को समझाइए ना, और जो आपका घटक है एनडीए का वो आप सड़कों पर है, पहले आप उसको समझाइए ना। आप किसान अपने घटक को तो समझा नहीं पा रहे, जब मजदूर बात करे तो उग्रवादी, मुसलमान अपने अधिकार की बात करे तो आतंकवादी, यूथ बात करे तो उन्मादी, किसान बात करे तो खालिस्तानी, मतलब आप ही तो सब ठीक, और पूरा यूथ उन्मादी, मजदूर उग्रवादी, और आप पूरे भारत की आत्मा को मारने जा रहे हो, और पूंजीपतियों तो आप क्या है, दलाल, सबसे बड़ा दलाल आप ही लोग हैं। पॉलिटिशियन या अखबार या पत्रकार कौन होता है? मजदूर का बेटा होता है, किसान का बेटा होता है,
तो किसान वही होगा ना। आप बिहार को पहले ही आप जाति के जार में पैदा कर दिए। मोदी जी चुप क्यों है, बोलवे नहीं किए अभी तक इतना दिन। भैया मनमोहन सिंह जी को मोनी कहते थे, ये गोनी है, जवान पर गोली चल रहा है और जवाब तक नहीं देते। क्या हुआ चाइना का, क्या हुआ नेपाल का, कोई एक बात बताओ ना इनकी। नरेंद्र तोमर जी बोले हितकार है ये। भैया जो जमाखोरों का खानदान हो और जो पूंजीपतियों का दलाल हो उसको किसान के दर्द का क्या पता। बड़ी कृपा हो, क्षमा करिए, आर पार की लड़ाई जारी रहेगा। भैया 16 से अनिश्चितकालीन धरना और 23 तारीख से पश्चिम चंपारण से किसान मजदूर रोजगार अधिकार यात्रा। किसान बिल वापस लेने के लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। किसान के खिलाफ जो भी नीति ये लोग बिल बोल रहे हैं ये बिल गलत। अच्छा इसमें क्या गलत है, क्या गलत है? किसान हमारे यहाँ आता है, इतनी मेहनत से वहाँ रुक जाते हैं, उनका अन्न सही मूल्य पर खरीदा नहीं जाता है, तो गलत नहीं है? तो 100% गलत है। और किसान बिल इस टाइम बिल निकला था, इस टाइम कोरोना काल था, बिल पढ़ने लिखे चोरी से बिल निकाले, चोरी से बात करती, ये तो चोर सरकार है, इसको हम कैसे मानेंगे? किसान का बिल अगर सही था तो किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है, नहीं करना चाहिए। तो इसी के लिए हम लोग धरना पे बैठे हैं। हमारे काम आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये भी लगातार और इसी कड़ी में आइए इनसे बात करते हैं। जी सर आप विरोध कर रहे हैं? जी किसान नीति जो लाया गया है जो भारत सरकार के द्वारा किसानों के विरुद्ध है उसके खिलाफ हम लोग आज पूरे बिहार में संगठन करेंगे जन अधिकार पार्टी और चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। 16 तारीख से अनिश्चितकालीन हम लोग धरने पर बैठने जा रहे हैं हर जिला मुख्यालय और 23 तारीख से किसान मजदूर एकता यात्रा पर हम लोग पार्टी के नेता निकल रहे हैं और जो हर जिले में जाकर किसानों को समझाएंगे ये किसान विरोधी नीति इस तरह किसानों को ठगने का काम कर रही है। किसान अपने खून पसीने से फसल उपजाएंगे और उस पर अधिकार पूंजीपतियों का होगा, उनको सिर्फ मजदूरी मिलेगा। अब किसान नहीं, कुछ दिन आने वाले समय में कहीं किसान नहीं मिले हैं भारतवर्ष में, सब मजदूर हो जाएंगे, खेत पर पूंजीपतियों का अधिपत हो जाएगा। हम लोग धीरे धीरे गुलामी की ओर जा रहे हैं। ये जब से नरेंद्र मोदी की सरकार भारत में बनी है, पहले रेल को बेचा, BSNL को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, अब किसान के फसलों भी बेचने जा रहे हैं। इस नीति के खिलाफ हम लोग आज पूरे बिहार में सड़कों पर उतरे हुए हैं, आज शाम तक हम लोग सड़कों पर बैठेंगे और 16 तारीख से सड़क पे लेट के विरोध कर रहे हैं अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोग कभी विरोध कर रहे हैं, महासचिव मानिए नहीं रहे, 4 दिन से कहा जा रहा है कि बंद है मानिए नहीं रहे, क्या किया जाए? अब आके मोदी जी बोले लिखित दे दे, आप लोग कहते ट्रेन नहीं बेचेंगे, पटरी नहीं बेचेंगे, सारे बेच देते, कहते हमें नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, लीक कर दीजिए मोदी जी आपके पास। क्रांति कर रहे हैं क्या? बीजेपी डांस करने का समय है, किसानों से बात करने का समय नहीं है? पहले किसान बोले कि हम किसानों से बात करेंगे, आज किया बोले हम बात करने का तैयार है, फिर गृह मंत्री जी बोले आवाज अब पता चला कि प्रधानमंत्री छोटी छोटी मैटर पर हैप्पी बर्थडे का बधाई देते हैं, शादी की सालगिरह का बधाई ट्विटर पर देते हैं और किसानों को पूछा पर आपको ट्वीट करने का आपको बोलने का समय नहीं है? वाह रे मोदी जी वाह, बड़ी बड़ी भाषण देंगे, बड़ी बड़ी रैली सुनिए, यही धान कितने में खरीद जाता है, इसी में थोड़ा लाल लिपस्टिक मार के और प्रोडक्ट बना के बेच देता है महंगा फूल दाम की। हम कह रहे हैं जब खरीदने की ताकत होगी किसानों की उस लिए उसकी आमदनी तो चाहिए ना, आप इनकम मूल्य उसका फिक्स कीजिए, MSP फिक्स कीजिए, जारी कीजिए। आप सरकार कितना अभी धान खरीदा, धान का धान सरकारी कितना धान खरीदा सरकारी पैक्स के माध्यम से, कहीं खरीदा